जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो हमने देखा है कि क्रूड के प्राइसेस तेज होने के बावजूद ग्वार गम और ग्वार सीड के जो प्राइसेस हैं कल को 6-6% के निचले सर्किट दिखाते नजर आए थे। आज भी देख रहे हैं ग्वार गम का मार्च वायदा 10,600 के ऊपर है और ग्वार सीड का मार्च वायदा 5,800 पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि ग्वार के जो प्राइसेस हैं पहले से काफी ज्यादा गिर चुके हैं, जबकि कच्चा तेल तेजी की ओर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो गिरावट आई है क्यों आई है ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर, और आगे अब क्या रुझान रहेगा? देखिए, ग्वार के अंदर गिरावट जो है वो अभी इन लेवल्स के ऊपर डिमांड जो है, देखिए जो भी इन्वेस्टर्स थे अब उनका सारा ध्यान जो है वो नॉन एग्री कमोडिटीज की तरफ जाता हुआ हमने देखा, और जिस तरीके से शेयर मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली और इसका असर सीधा सोने की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखा, तो एक कह सकते हैं कि डर के माहौल के चलते बाजारों में करेक्शन देखने को मिली। कल सभी एग्री कमोडिटीज में हमें डाउनसाइड देखने को मिला था, चाहे वो ग्वार हो, मसाले हो, सब लुढ़कते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन आज अगेन एक बार फिर से खरीदारी निचले स्तरों पर लौटी है, लेकिन बाजार सस्टेन है, बहुत ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मुझे लगता है कि ग्वार यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है 10,000 के ऊपर, और अगेन अगर 10,000 के ऊपर बना रहता है तो आपको 12,000 तक फिर से सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा। और सीड जो है, सीड में जरूर गिरावट ज्यादा आई है, 6,000 के नीचे लुढ़क चुका है, इनफैक्ट 5,800 के भी नीचे गया है, तो सीड जो है वो तेजी में 6,000 तक की तेजी, 6,000 से 6,200 तक ही सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि डिमांड अगर निकलती है तो प्राइजेस के अंदर फिर से जो है यहाँ से बूस्ट अप देखने को मिल सकता है, और अभी फिलहाल इन स्तरों पर मांग कम है जिसकी वजह से कीमतें लुढ़कती दिखाई दी हैं। जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।